अपना पक्ष रखा, उन्होंने कहा ये च मुड़ के आप विचार करा, इस विचार करके दोबारा मीटिंग सदा, मीटिंग सद के फिर अठ घंटे मीटिंग चली है, कोई तो सिटा निकलिया होगा ना कि अजे विचार ही होने हैं? नहीं अजे तक विचार ही चली आ, छे सत अठ घंटे पूरी मीटिंग चली आ, बड़े शांति माहौल चली आ, दोवें पक्ष सुने गए, उन्होंने पक्ष भी सुने गए, साडे पक्ष भी सुने गए, और संबंध जे तीन कानून आ चौथा पराली वाला ये संबंध च दोबारा एक केंद्र वालों मीटिंग बनाई जाऊगी, और मीटिंग के नाल किसानों की कोई तरीक मिथी है अगली मीटिंग की? मेरा ख्याल कहिंदा तरीक अजे जी 18 तरीक पता लगेगा, 18 तो चंडीगढ़ के किसान की होनी है ना आपस के मीटिंग, केंद्र के नाल अगली मीटिंग की कोई रणनीति कोई लिखी? 18 तरीक न उत्थे जी 18 तरीक न मीटिंग होनी है, वो संबंध के उत्थे दोबारा जोड़ा वा इन्हों का मैसेज केंद्र सरकार का मैसेज पहुँचूगा। तो तुसी विज्ञान भवन के बाहर तस्वीर ये देख सकते हो कि किस तरीके दे नाल किसानों की जी मीटिंग है वो बेसिटा निकली। सरदार साहब कहते कि 8 घंटे मीटिंग चली है, कोई छिट्टा निकलिया इस मीटिंग का? छिट्टा तो नहीं निकलिया बिल्कुल, पर अगली मीटिंग फिर रखी जाऊगी छेती, जिसे एक मीटिंग से मसला हल होने वाला, बहुत बड़ा मसला, बहुत गल्लां बातें हुई, उन्होंने सानू समझाने की कोशिश की आ भी ये कानून आए चंगे ने, असीं उन्होंने अपना दसिया भी किवें कानून माड़े ने, फिर कहते कि पहले पार्ट के लंच तो पहला तो सिर्फ भाषणबाजी हुई, इस कानून के फायदे दसे गए, बाकी इदा ही होया? पहला तो असीं उन्होंने दसिया भी ये कानून के सानू की नुकसान होणगे, फिर उन्होंने कोशिश की भी असीं इहदे फायदे दस दिया, असीं कहा भी इहदे बारे सानू चंगी तरह पता भी तुसीं सानू इहदा हल दसो कोई, उदों बाद लंच होया, लंच तो बाद फिर उही गलबात चली, आखिरकार ये फाइनल होया, उन्होंने असीं ये पूरा समझाने कामयाब रहे हैं भी ये कानून साढ़े लिए घातक ने, मतलब केंद्र ने मनिया कि घातक ने? बिल्कुल, उन्होंने सानू यह गल कही है भी बड़ा मसला, जे ये कोई आप कोई भी गलबात अगे करनी अमेंडमेंट करनी आ बड़ी गलबात आ, ये मीटिंग एक दो होर हो टाइम थोड़ा छेती देवे। साहब एक गल सीधी सीधी कह सकते हैं कि ये मीटिंग 8 घंटे जी चली है बेसिटा निकली है? नहीं बेसिटा नहीं, असं कह सकते गलबात चालू आ, गलबात चालू आ, 18 तरीक नी फिर मीटिंग है चंडीगढ़, वो साढ़े तो जरूर ये गल जरूर कहते मा पसेंजर गड्डिया छोड़ो, असं उन्होंने कहा भी असं पसेंजर गड्डिया इस तरह नहीं छड़ांगे, जिहड़ियां माल गड्डियां ने तुसी चलाओ उहदे ते कोई रुकावट नहीं, पर वो सरकार दी हुण मर्जी है माल गड्डियां चलाउंदी आ जां नहीं चलाउंदी, मतलब अजे कोई गड्डिया चलनगियां जां नहीं चलनगियां उहदे बारे कोई फैसला नहीं होया असी, पर सरकार नूं ये अपील जरूर कीती है भी साडे व्यापारियों का जां साडे किसानां दा बहुत नुकसान हो रहा, तुसी माल गड्डियां चलाओ छेती तों छेती, पर माल गड्डी दे उत्ते अजे तक कोई सहमति नहीं बनी? नहीं, वो कहिंदे भी असी इहदे बारे राय करके देखदे आ, अज बाद सानू कोई जवाब भी नहीं दिता उन्होंने ना माल गड्डिया ना चलाउण बारे। सो ये देखो कि वड्डी गल है कि कोई जवाब नहीं दिता, ये फिलहाल तो सिट्टा इस दे विच कोई भी निकलता नज़र नहीं आ रहा। सो ये देखो कि किसान जिहड़े आ सारे बाहर आ चुके ने, तो किसानों के वलों बलबीर सिंह राजेवाल है, राजेवाल साहब कहते कि जिहड़ियां मीटिंग हुई है इस दे विच 8 घंटे कहते भी कोई सिट्टा कोई निकलता नज़र नहीं आया? नहीं इस तरह नहीं, बहुत लंबी गलबात हुई, एक जिन्ने कानून इन्होंने जा बनाए ने उन्होंने उत्ते बहुत बारीकी नाल एक एक सैक्शन के उत्ते बहस हुई, और असी उन्होंने साफ स्पष्ट किया भी ये जिहड़े तुसी ऑर्डिनेंस जारी करके कानून बनाए ने इहदे नाल खेती तबाह हो जाएगी, देश का बहुत वड्डा नुकसान होएगा, उन्होंने कहा भी ये एक मीटिंग च मसला हल होने वाला नहीं, दोबारा फिर मीटिंग होएगी, 18 नूं साडी मीटिंग है, अंदोलन उस तरह जारी रहेगा, रेलां बंद रहनगियां, 26-27 दा प्रोग्राम भी जारी रहेगा। 26-27 तरीक नूं कोई इहदे कोई नहीं, असीं उन्हां नूं साफ कहता भी साडा अंदोलन जारी रहेगा जदों तक तुसीं साडियां मंगां नहीं मनते। तां रेल बोर्ड के चेयरमैन भी इत्थे आए सीगे, उन्हां दे वल्लों की कहा गया सी तुहानूं, कोई उन्होंने दस्सिया कि घाटा बहुत पै रहा जां जम्मू कश्मीर नूं समान नहीं जा रहा? नहीं इदां नहीं कोई गल हुई घाटा पैण दी जम्मू कश्मीर दी, क्योंकि असीं साफ कह दिता भी जदों तक तुसी गुड्स ट्रेन चला लो उसके बाद असी सोचांगे 18 तारीख नूं सोच लांगे, उन्होंने कहा असी दोनों चलाउणी असी कभी असी दोनों नहीं चलाउणी। सोचण वाली राजे साहब इस विच सोचण वाली गल केड़ी है, 18 तारीख नूं की सोचना है तुसी? असी भी उन्हां नूं साफ कह दिता भाई तुसी पंजाब दा इकोनॉमिक ब्लॉकेड कीता है, असी इहनूं पसंद नहीं करदे, इहदी तुसी निंदा करदे। कोई उन्हां दे वल्लों किवें दा रिस्पोंस सीगा, पॉजिटिव सीगा? देखो खेती मंत्री पॉजिटिव सी, जिहड़ा रेलवे मिनिस्टर सी उह सख्त सी। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਖਤ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੈਸੇਂਜਰ ਔਰ ਗੁਡਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੋਨੋਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇਸ਼ੂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਐਡੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਇਹ ਬਣੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ, ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਹਾਲੇ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖੇ ਤੁਸੀਂ?
इलैक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट भी रखा जिहड़ा पराली दे उत्ते उन्होंने प्रदूषण के कमिश्न बनाउण दा ऑर्डिनेंस जारी किया भी रहा बहुत सारे मुद्दे विचार मतलब हजे तक उन्होंने कित पराली के जां होर किसी मसले के उत्ते कोई मोहर नहीं लाई डिटेल च असीं गल की है देखते की निकलता वक्त सो यह देखो कि अजे कोई सिट्टा निकलता नजर नहीं आ रहा 26-27 तरीक का अंदोलन जिहड़ा आ जारी रहेगा कोई लगता कि तुहानूं कोई फायदा होया इस मीटिंग का बिल्कुल फायदा होया असी अपनी गल है जी तिना कानूनों नू लेके जा बिजली बिल है तो ये पराली का मुद्दा है ये केंद्र सरकार दे कोले रखण च असी कामयाब रहे हैं केंद्र सरकार ने इसनू मसला तो सरदार साहब अपना मुद्दे रखण का थोड़ी सी मसला तो आप हल करवाउण आए सीगे उस ते अगे गलबात भी तुरी है ये वास्ते अगली मीटिंग हो रही है मीटिंग कदों हो रही है सरदार साहब सरदार साहब नहीं असी आगे किसान आगू चलो किसान जी तुसी दसो भी मीटिंग अगली कदों रखी है कोई सट्टा निकले इस मीटिंग दे विच साडी मीटिंग 30 जथेबंदी 18 तरीक नूं आ उहदे विच असीं डिसाइड करना भी अगला एक्शन की है 26 तारीख नूं दिल्ली आ रहे हैं दिल्ली सानूं इजाजत देणगे तां उत्थे करांगे रैली नहीं तां जिन्नियां एंट्रियां दिल्ली दियां सारियां रोकांगे कोल साडा चलदा रहेगा ये फस्ट मीटिंग है पहली मीटिंगां च कदे नहीं रट निकलता हुंदा असीं अपना इशू पोज कीता मनाउण दी गल नहीं हुंदी असीं कोई संघर्ष थोड़ी छड्ड के आए हां जे गल्लां मन होईयां फिर तां संघर्ष खत्म हो जांदा साडा संघर्ष चल रिहा उत्थे गल्लबात चल रही आ लड़ाई दे मैदान दे विचे गल्लां चलदियां हुंदियां लड़ाई दोहां पासिआं तों कायम आ वो कहिंदे सीगे असीं दोनों गड्डियां चलाउणियां असीं कहिंदे पहिलां गुड्स पसे चला दो क्योंकि व्यापारियों का मार रुकिया आ पंजाब दे दुकानदारां दा आ पॉजिटिव ने तुसीं पॉजिटिव होकर निकले अंदरों असीं इस गल तो पॉजिटिव हाँ भी गलबात दा एक दौर चल पिया शुरुआत हो गई उन्होंने सानूं ऑफर किया भी असीं कमेटी बनावांगे तुसीं 18 नूं फैसला कर लो असी कमेटी फॉर्म करके कमेटी जी वर्कआउट करके ओमनेस्टी लैवल से फैसला करा हाँ जी तुहानू भी पता है कि कमेटियां बन दियां ने किन्ना समा लग जाता फिर वो मुद्दे किदा फिर घूमते हैं ये चीज़ का तुहानू भी पता ज़्यादा तुहाडा संघर्ष है कि कमेटियां दे विच ये मुद्दे उलझ के ना रह जाए सुनो कमेटी असी उन्होंने कंडीशन आ भी ये जी टाइम बाउंड होगी नहीं टाइम बनूगी साढ़े हथ हथियार तो है लड़ाई का सानू कोई रोक थोड़ी सकता असं दिल्ली भी आ रहे हैं दिल्ली धरना पक्के भी ला रहे हैं टोल प्लाजे भी बंद किए हैं मॉल भी बंद किए हैं गड्डिया भी बंद कीतियां असं कोई सदका थोड़ी किया मतलब ये चीज़ा उस तरह इन बिन जारी रहनगियां चाहे टोल प्लाजे हो गए चाहे रेल गड्डिया हो गई चाहे पूरी चलूगी एजुटेशन पूरी चलती रहेगी जिन्ना जितना चाहे सानू कॉल करके ये कोई स्ट्रक्चर तैयार नहीं करते जां सानू विश्वास नहीं दवाते क्योंकि अज्ज असीं उन्हां नाल गलबात आंसरलैस किया उन्होंने कि जे तुसीं कारपोरेट घराने लई कानून बना रहे हो तो साडे लई भी कानून बनाओ वो कहिंदे साडा जिहड़ा बारबल ते यकीन करो उन्होंने तुहानू फायदे दसे इस कानून दे नहीं फायदे नहीं दसे फायदे दसे अज नहीं दसे अज सातों सुने आ साडी गल दा उन्होंने जवाब नहीं आया उन्हें उदां कहा भी असीं तुहाडे लई पॉजिटिव आ कहिंदे पॉजिटिव नहीं है जे तुसीं पॉजिटिव आ बारबल तुसीं मानदे हो एम एस पी रहेगी बारबल तुसीं मानदे हो ये खरीद भी जारी रहेगी जे तुसीं बारबल मानदे हो तो फिर इन राइटिंग दो तो कानून बनाओ बिल्कुल बिल्कुल मनजीत सिंह राय है सवेर तो ही मीटिंग दे विच अगवाई कर रहे हैं राय साहब कोई सट्टा निकलिया दो टुक गल दस्सो हाँ जां ना नहीं जी अज मीटिंग ते चली बड़ी लंबी सरकार नूं असीं अपनी गल सारी सुनाई सरकार ने भी अपनी गल सानू सुनाई ते असीं भी उन्हां नूं सुनाई पर जिहड़ी आ मंत्री उन्हां ने इह गल दा कोई ठोस जिहा जवाब नहीं दिता उन्होंने कहा भी इस गल नूं तुसीं भी अपनी 18 वाली मीटिंग करो ते आपां भी अगली कोई मीटिंग रखांगे मतलब कह दिओ भी इहदे विच कोई नतीजा नहीं निकल सकिया ते कोई इहदे विच अज जिहड़ा रिजल्ट नहीं आया मतलब इह जिहड़ी 6-7 घंटे मीटिंग चली आ इहदे विच कोई भी उन्हां पक्ष तों उन्हां दे वल्लों कोई पॉजिटिव रिस्पोंस नहीं आया नहीं कोई पॉजिटिव नहीं ये तो सिर्फ इन्नी की गल है भी अगली मीटिंग करांगे उत्ते विचारांगे पर जिहड़ी को हाँ वाली गल किसी पक्षों नहीं आई तो पहली मीटिंगां नालों इह मीटिंग नूं किवें वखरा देख सकदे क्योंकि सारा पंजाब की निगाह अज दिल्ली विज्ञान भवन दे वल सीगी तां अज कोई ना कोई तां गल कोई इहो जी दसो कि जिहड़ी केंद्र ने मन्नी होवे तुहाडी नहीं कोई गल मनी नहीं असी दसांगे किवें जी असी तां जिहड़ी गल हैगी आ टोटल गल रखी आ उहनां दे मूहरे पर मैं कुछ हद तक असी उहनां नूं कन्विंस कराउण च कामयाब रहे हां सरकार कोल जवाब नहीं सी जदों असी उहनां नूं कहा वी तुसीं कारपोरेट घराणियां वास्ते कानून बनाया ते जिहड़ी किसानां वास्ते जिहड़ा कानून आ उह तुसीं क्यों नहीं बना सकदे ते फिर तुसीं इहदा मतलब कारपोरेट पूंजीपतियां दे पक्षी हो तुसीं ते जिहड़े किसानां दे पक्षी क्यों नहीं हो सकदे तो असीं उहनां नूं कहा वी जिहड़ी एम एस पी और खरीद की छोटी इह सानूं रिटर्न च दे दिओ पर उस ते गल सरकार जी उत्ते नहीं आई इस मीटिंग दे विच कोई उन्होंने एम एस पी नूं लैके जां फिर इस बिल दे विच सोध करन बारे कोई 1% भी कोई उन्होंने पॉजिटिव रिस्पोंस दिता
MSP तो कई जा रहे जी, बरवली कह रहे हैं कि MSP जी रहेगी, MSP रहेगी। असं उन्होंने कहा भी बरवली गल असी नहीं मानते, क्योंकि जहाँ तक तुम जो कानून बदले उन्होंने कोई बरवली गल कही होंगी, उन्होंने तो जो पूंजीपति आ उन्होंने तो खुल देती नहीं, लिख के सारा कुछ उन्होंने तुम टैक्स फ्री कर दिता, उन्होंने रियायत देती, उन्होंने बारी सरकार के खजाने कोई घाटा नहीं पैंदा। तो जे किसान की कोई फसल खरीदनी आदि घाटा पै रहा, तो असं उन्होंने कहा तुम रिटर्न करके दौ, पर उस गल तो सरकार नहीं आई। अच्छा, उन्हों का रिस्पोंस किवें दा सीगा, खेतीबाड़ी मंत्री ते रेल मंत्री दा, वो सख्त सीगी जां नरम सी? नहीं, गल तो उन्होंने सुनी बड़े ध्यान दे नाल, पहलां हाफ लंच टाइम तक तो उन्हें साडी गल सुनी सारी टोटल, और उन्होंने कहा लंच टाइम तो बाद आपां गल करांगे, और जो आए आ उन्हें अपनी गल रखनी चाहिए, पर जिहड़ा उन्होंने गल रखनी चाहिए वो सानू किसानां नूं हजम नहीं सी, क्योंकि वो उही गल्लां करनियां चाहुंदे सी, सरकार दीआं उपलब्धियां वो सानू विखाउणा चाहुंदे सी, उन्हें स्क्रीन लाई हुई सी, कुछ तो उपलब्धियां तुहाडे गल्लां दे विच वी पा दित्तियां, बैग दे विच कहिंदे उपलब्धियां उपलब्धियां ने इस सारी सरकार दीआं, थोड़े कढ के तां दिखाओ राय साहब, तुहाडे कोलों वेखणियां चाहुंदे आ अहीं। नहीं, ओ मैं तुहानूं विखा देना, असीं इस करके इह बैग फड़ लिया, कोई इदा की गल नहीं पे, असि उपलब्धियां लै चले हाँ, ये इस करके गलां च पए आ, केंद्र सरकार ने कदे धक्के नाल नहीं पाते तुहाडे गल? नहीं, बिल्कुल नहीं, असि तुहानूं विखाउणे आ, दिखाओ भी कि उपलब्धियां ने सरकार दी। उपलब्धियां जिहड़ियां कहिंदे ने असि उन्हां नूं ठुकराया, असि कहा भी उपलब्धियां यही तां असि कह रहे आ भी इह जिहड़े कानून आ इन्हां नूं तुसीं लागू करो, आ जिहड़ा आना सीगा उन्हां ने पहलां सानूं आ विखाया भई जी देखो आह ग्रोथ जिहड़े साडी आ 2014 दे विच जिहड़ा रेट सी आह सी पैड़ी दा, ते हुण रेट आह आ भई असीं इहनूं जिहड़ा आ वधाया बहुत। असीं उन्हां नूं कहा भी असीं यही तो कह रहे हैं भी साडा जिहड़ा पिछला सिस्टम उह चलण दिओ, तुसीं इह सिस्टम नूं आप कह रहे हो भी ठीक है, ते जे इह सिस्टम नूं ठीक कह रहे हो तो फिर इहनूं तोड़ क्यों रहे हो? पर इहनूं 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 जे सिस्टम नूं हुण तुसीं तोड़िया ते असीं इहनूं कहिंदे दुबारा तों इहनूं कागजां दे विच पक्का करके लिया दिओ, पर उह सरकार जिहड़ी उस गल ते नहीं आई। इह सिस्टम इस करके असीं कोल लै लिया भी असीं जिहड़े लोक कारकुनां नूं दिखावांगे भी आह सरकार तुहानूं कल नूं गुमराह कर सकदी है, इदां दे नक्शे आ विखा के इहनां गल्लां च नहीं आउणा जिन्ना चिर उह सानूं कोई रिटर्न च साडी जिहड़ी आ ठोस गरंटी खरीदी और MSP दी नहीं दिंदे। अच्छा, होर कहिंदे कानून भी पंजाबी दे विच ट्रांसलेट करके दित्ते आ तुहानूं कि जे समझ नहीं आई तां पंजाबी च पढ़ लो? नहीं, ओह तां उन्होंने सानूं जदों स्क्रीन ते विखाउणा चाहिया उन्होंने अहीं कहता भी सानूं दस्सण दी लोड़ नहीं, असीं इह कानून इंग्लिश दे विच भी पढ़े हुए आ, उहदा तरमीमा भी असीं कीता होया पंजाबी दे विच, ओह एड्डी गल नहीं, सानूं समझाओ ना, असीं समझे हुए आ, इह किसान अगे वाला नहीं भी जिहने नहीं समझिया होया, इह गल्लां सारियां उन्होंने ठोस रूप च होईआं, ते इस करके उन्हां नूं उत्थे रोक दित्ता गया जिहड़ा कि उह सानूं विखाउंदे सी, उन्हां दे जिहड़े उह चीफ सैकटरी आ सानूं विखाउंदे सी, उन्हां नूं बकायदा साडे आगू वालों उन्हूं रोक दिता गया उत्थे भी सानूं आह कुछ ना विखाओ, सिर्फ साडी जिहड़ी उह तिन खेती कानून आ उन्हां ते गल करो, अपनियां सरकार दीआं उपलब्धियां ना दसो, पर इह गल जरूर असीं मन्नण नूं तैयार हां भी जिहड़े कानून पहलां सीगे इहदे करके उपलब्धी आ, तां असीं इहनूं ही रखणा चाहुंदे आं, नवां नहीं कोई लिआउणा। जिहड़े अंकड़े दित्ते उह सही आ? देखो अंकड़े जिहड़े आ उह तां सरकार ने पेश करने हुंदे, असीं उहदा भी जवाब दित्ता भई आह जिहड़ा तुसीं अंकड़ा दे रहे हो कि पैडी दी जिहड़ी आ खरीद वधी आ, सरकार ने इस बार वध खरीद कीती आ, इह असीं कहा भी पैडी वधी तद है क्योंकि इह ते सरकारी रेट तय सी, सरकारी खरीद सीगी, ते जिहड़ियां बाकी फसलां ते सरकारी रेट जिहड़ा आ उह तय बेशक आ पर सरकारी खरीद है नहीं, इस करके सारे लोग इस फसल नूं आ रहे, जे इहदी उपज वधी आ तां ही तुहाडी उपलब्धी वधी आ, जे इहदी उपज तां वधी आ क्योंकि सरकार इहदे विच बैठी आ, हुण सरकार निकलना चाहुंदी आ, इहदी उपज घटेगी तां फिर सरकार भी जी उपलब्धि नहीं दस सकी, किसान घाटा होएगा। राय साहब, हाफ टाइम तक तो बड़ा पॉजिटिव जहाँ लोगों के भी संदेश रहा, पर जिड़िया अंदरों तुहाडियां तस्वीर आई हैं कि लंच करते करते मंत्री साहब ना बड़ा हस खेड रहे हो, उन्होंने लीडर के नाल बैठे हो जिहड़े किसानों माड़ा एक टाइम के उत्ते कहिंदे ते भाजपा नूं चंगा कहिंदे सीगे, उस वेले की गलबात हुई तुहाडी उहनां नाल? देखो ये जदों बिच हुण गवर्नमेंट ने एक मीटिंग बुलाई, गवर्नमेंट के नुमाइंदे उस पार्टी के वह बिच आ गए, तो जिहड़ी हस खेड वाली गल आपां करदे आ माहौल तो एक टेबल ते इसे तरह का ही हुंदा भई आपां कोई सांझ पा के कोई अच्छा फैसला लै चलीए, पर वह जिहड़ी सांझ पाउण दे विच सरकार नाकाम रही है, किसानां ने अपने पक्षों हाँ पक्षी जिहड़ा जवाब दिता और किसानां ने अपने हाँ पक्षी जवाब नूं निभाया भी है और मौके ते आए भी है और उन्हां दी हर गल नूं मन्नण नूं तैयार भी सन, पर वह साडी गल जे मंनदे तां असीं मंनदे, उन्हें साडी गल नहीं कोई भी मन्नी, इस करके असीं उन्हां नूं इस गल दा जवाब दे के आए हां भई भाई कोई गल नहीं। उन्होंने एक भी कहा भी आपां कमेटी बना दें, तो कमेटी बारे जी गल करते सके वो भी असं क्या 18 की मीटिंग के विचारांगे, हाले कोई गल नहीं है, इस करके वो सारिया गल् जिन्हिया हुई कह दीए कि सरकार वालों कोई हाँ पक्षी जवाब नहीं आया। 18 तरीक नूं कि चीज़ विचारी जानी, क्योंकि 18 की तो पहला भी चर्चा हो रही थी तुम्हें मीटिंग करनी है इस मीटिंग तो बाद, पर 18 तरीक नूं हुण कि गल्लां विचारोगे तुम, क्योंकि उन्होंने तो दो टुक कहती गल तो उन्होंने कर दी, जी चीज़ का डर सगा वह गल की अज की मीटिंग 18 तरीक नूं किस चीज़ का विचार होना? देखो 18 साडा 26-27 का अंदोलन आवाज दिती हुई है पूरे पंजाब नूं पूरे भारत नूं, असीं उहदे बारे विचारना जी, आप
अपना अंदोलन केड़ी दिशा च लैके जाना ओदे वास्ते विचारना जी। इस करके साडा जिहड़ा आ ओह 18 दी मीटिंग तां ऑलरेडी पहला ही सी, असी हुण इधरों नहीं सी तय की, ऑलरेडी साडी पहले तय सी 18 मीटिंग। जे तां असी कहीए इन्हां दे कहां तय की तां उहदे विचारांगे, असी ओह 18 दी पहले तय आ साडी मीटिंग, ओहदे विच असी अपने अंदोलन की रूपरेखा जिहड़ी आ ओह तैयार करनी आ। 27 तरीक दा अंदोलन इन बिन उस तरीके नाल रहूगा कि जां फिर इस मीटिंग तों बाद अंदोलन ठंडा पै जाऊ? नहीं जी, हुण तिकर सारा ही अंदोलन इन बिन उदे रहूगा जिवें अंदोलन चल रहा। जो बैठे स्टेशनां ते साडे पार्कां दे विच उदे बैठे रहणगे, और जिवें साडा जिहड़े मॉलां अगे बैठे आ, जिहड़े टोल प्लाजियां ते बैठे आ, उह सारे ही सज्जन उसे तरह रहणगे, सारे किसान उसे तरह रहणगे। इस करके पूरे का पूरा अंदोलन हजे उसे दिशा च है, उह च कोई बदलाव नहीं हैगा। जिहड़े रेल दे जिहड़े चेयरमैन आए, रेल बोर्ड दे चेयरमैन आए सीगे, उहनां ने कोई दस्सिया, उहनां ने कोई तुहानूं अंकड़े दित्ते कि इन्ना घाटा पै रिहा है देश नूं जां पंजाब नूं इन्ना घाटा पै रिहा जां रेल नूं इन्ना घाटा पै रिहा है, कोई अंकड़े पेश कीते उहनां ने? नहीं, वह दसना चाहते सन, असी उन्होंने कहा भी असी इन्हों की कोई गल किसी की नहीं सुननी, असी तो सिर्फ जेडे रेल मंत्री आ सू दसन भी माल गड्डियां क्यों नहीं चला रहे। असी उन्होंने उन्होंने को ठोस जवाब है ही कोई नहीं सगा भी रेल गड्डियां जिहड़ियां क्यों नहीं चला रहे, वह तो यही एक अपनी शर्त रख के बैठे आ, अड़ियल वतीरा जरा सरकार का वो वरत के बैठे आ कि भाई जे तुम जिहड़ियां हैगियां पैसेंजर ट्रेना छड़ोगे तो ताइयों माल गड्डियां छड़नियां, हजे उत्ते भी कोई फैसला नहीं हो सकिया। उन्होंने कहा असं विचारांगे, तो असं क्या भी 18 विचार लाँगे, वह सानू कहिंदे सी भी तुसीं उह छड्डो पैसेंजर ट्रेना, असीं क्या असीं भी उहदे बारे 18 विचार लाँगे, तुसीं भी विचार लो, अजे मतलब दवल्यों ही उह जिहड़ी गल कह दिओ भी उत्थे ही रुकी होई आ। क्योंकि सरकार जिहड़ी आ उह असीं इह समझदे आ सेंटर सरकार केंद्र सरकार पंजाब प्रति कोई संजीदा नहीं है। मतलब इह कह सकदे आ बई जी कि उह पहिलां ही मन के आए सीगे कि जो मर्जी गल्लां हो जाण असीं अपनी गल ते अड़े रहिणा? नहीं जे अड़े हो तो किसान भी चुके ने गे, किसान जे पंजाब अज साडे पिछे खड़ा आ, NRI भरा साडे सारे खड़े आ, होर जथेबंदियां हर वर्ग नाल आ, असी जिहड़े मुद्दे आ कोई गलत नहीं मना रहे सरकार अगे, असी अज पक्ष जिहड़ा साडे किसान आगूआं ने बड़े जोर नाल पेश कीता आ। जे असी काले बिल रद्द करने दी कीती सी, उन्हें पुछया भी क्यों करने आ, बड़े दलीलां नाल एक्टां दे थ्रू उन्हां नूं जवाब दिता गया आ, पूरे डाकूमेंट पेश कीते गए आ भी ये जिहड़े बिल आ पूरी तरह किसान मारूगा इन्हां नूं, तुहानूं ਇਹ ਸੋਧ ਮੰਨੇ ਉਹ ਮੰਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ? ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਦੌੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਉਹਨੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਦੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੌਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ, ਆਪਾਂ ਲੰਬਾ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 5 ਘੰਟੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਕਿ ਜਾਂ 26-27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਣ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 7 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅੜੀ ਕਰਦਾ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਈ ਬੈਠੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸਦੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਬੈਗ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਗ ਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੰਦਰ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਹੋਣੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਾਂਗੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਫਿਰ। ਸਾਹਿਬ 8 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਚੱਲੀ ਆ, ਇਹ 6-7-8 ਘੰਟੇ ਪੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਆ, ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਚੱਲੀ ਆ, ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਆ, 4th ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਮਿੱਥੀ ਆ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤਰੀਕ ਅਜੇ ਜਿਹੜੀ 18 ਤਰੀਕ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। 18 ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਕੋਈ? 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿੱਟਾਂ ਨਿਕਲੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 8 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ?
छिट्टा तो नहीं निकलिया बिल्कुल, पर अगली मीटिंग फिर रखी जाऊगी छेती, जिद एक मीटिंग च मसला हल होने वाला, बहुत बड़ा मसला, बहुत गल्लां बातां हुई उन्होंने सानू समझाने की कोशिश की आ भी ये कानून आए चंगे ने, असीं उन्होंने अपना दसिया भी किवें कानून माड़े ने। फिर कहते कि पहले पार्ट के लंच तो पहला तो सिर्फ भाषणबाजी हुई, इस कानून के फायदे दसे गए, बाकी इदा ही होया। पहला तो असीं उन्होंने दसिया भी ये कानून के सानू की नुकसान होणगे, फिर उन्होंने कोशिश की भी असीं इहदे फायदे दस दिया, असीं कहा भी इहदे बारे सानू चंगी तरह पता भी तुसीं सानू इहदा हल दसो कोई। उदों बाद लंच होया, लंच तो बाद फिर उही गलबात चली, आखिरकार ये फाइनल होया। उन्होंने असीं ये पूरा समझाने कामयाब रहे हैं भी ये कानून साढ़े लिए घातक ने, मतलब केंद्र ने मनिया कि घातक ने। बिल्कुल उन्होंने सानू यह गल कही है भी बड़ा मसला, जे ये कोई आप कोई भी गलबात अगे करनी अमेंडमेंट करनी आ बड़ी गलबात आ, ये मीटिंग एक दो होर हो टाइम थोड़ा छेती देवे। चंडीगढ़ जरूर यह गल जरूर कहते पैसेंजर गड्डियां छड्डो, असीं उन्होंने कहा भी असीं पैसेंजर गड्डियां इस तरह नहीं छड्डांगे, जिहड़ियां माल गड्डियां ने चलाओ उहदे ते कोई रुकावट नहीं, पर उह सरकार दी हुण मर्जी उह माल गड्डियां चलाउंदी आ जां नहीं चलाउंदी, मतलब अजे कोई गड्डियां चलनगियां जां नहीं चलनगियां उहदे बारे कोई फैसला नहीं होया। असीं पर सरकार नूं इह अपील जरूर कीती है भी साडे व्यापारियों का जां साडे किसानां का बहुत नुकसान हो रहा, तुसीं माल गड्डियां चलाओ छेती तों छेती, पर माल गड्डी दे उत्ते अजे तक कोई सहमति नहीं बनी। नहीं, वह कहिंदे भी असीं इहदे बारे राय करके देखदे आ, अज सानूं कोई जवाब भी नहीं दित्ता उन्होंने ना माल गड्डियां ना चलाउण बारे। सो ये देखो कि वड्डी गल है कि कोई जवाब नहीं दिता, ये फिलहाल तो सिट्टा इस दे विच कोई भी निकलता नज़र नहीं आ रहा। सो ये देखो कि किसान जिहड़े आ सारे बाहर आ चुके ने, तो किसानों के वलों बलबीर सिंह राजेवाल है, राजेवाल साहब कहते कि जिहड़ियां मीटिंग हुई है इस दे विच अठ घंटे, कहते भी कोई सिट्टा कोई निकलता नज़र नहीं आया। नहीं, इस तरह नहीं, बहुत लंबी गलबात हुई, एक जिन्ने कानून इन्होंने बनाए ने उन्होंने उत्ते बहुत बारीकी नाल एक एक सैक्शन के उत्ते बहस हुई, और असी उन्होंने साफ स्पष्ट किया भी ये जिहड़े तुसी ऑर्डिनेंस जारी करके कानून बनाए ने इहदे नाल खेती तबाह हो जाएगी, देश का बहुत वड्डा नुकसान होएगा। उन्होंने कहा भी ये एक मीटिंग च मसला हल होने वाला नहीं, दोबारा फिर मीटिंग होएगी, 18 नूं साडी मीटिंग है, अंदोलन उस तरह जारी रहेगा, रेलां बंद रहनगियां, 26-27 का प्रोग्राम भी जारी रहेगा। 26-27 तरीक नूं कोई इहदे कोई नहीं, असीं उन्हां नूं साफ कहता भी साडा अंदोलन जारी रहेगा जदों तक तुसीं साडियां मंगां नहीं मनते। तां रेल बोर्ड के चेयरमैन भी इत्थे आए सीगे, उन्हां दे वल्लों की कहा गया सी तुहानूं, कोई उन्होंने दस्सिया कि घाटा बहुत पै रहा जां जम्मू कश्मीर नूं समान नहीं जा रहा? नहीं, इदां नहीं कोई गल हुई घाटा पैण दी जम्मू कश्मीर दी, क्योंकि असीं साफ कह दिता भी जदों तक तुसी गुड्स ट्रेन चला लो उसके बाद असी सोचांगे 18 तारीख नूं सोच लांगे। उन्होंने कहा असी दोनों चलाउणी, असी कहा असी दोनों नहीं चलाउणी। सोचण वाली राजे साहब इस विच सोचण वाली गल केड़ी है, 18 तारीख नूं की सोचना है तुसी? असी भी उन्होंने साफ कह दिता बई तुसी पंजाब दा इकोनॉमिक ब्लॉकेड कीता, असी इहनूं पसंद नहीं करदे, इहदी असी निंदा करदे। कोई उन्होंने वल्लों किवें दा रिस्पोंस सीगा, पॉजिटिव सीगा? देखो खेती मंत्री पॉजिटिव सी, जिहड़ा रेलवे मिनिस्टर सी उह सख्त सी। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਖਤ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੈਸੇਂਜਰ ਔਰ ਗੁਡਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੋਨੋਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ, ਸਿੱਟਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇਸ਼ੂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਐਡੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਇਹ ਬਣੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ, ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇੱਕ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਹਾਲੇ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ? ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਵਕਤ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ 26-27 ਤਰੀਕ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖਣ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ? ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਗੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ। ਚਲੋ ਕਿਸਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਲੀ ਕਦੋਂ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ 30 ਜਥੇਬੰਦੇ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। 26-27 ਦਿੱਲੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ,
दिल्ली सानू इजाज देंगे तो उत्थे करांगे रैली, नहीं तो जिन्नियां एंट्रियां दिल्ली दियां सारियां रोकांगे। एक्स कोर साडा चलदा रहेगा। यह फस्ट मीटिंग है, पहली मीटिंगां च कदे नहीं जट निकलता हुंदा। असीं अपना इशू पोज कीता, मनाउण दी गल नहीं हुंदी। असीं कोई संघर्ष थोड़ी छड्ड के आए हां। जे गल्लां मन होईयां फिर तां संघर्ष खत्म हो जांदा। साडा संघर्ष चल रिहा, उधर गल्लबात चल रही आ। लड़ाई दे मैदान दे विच गल्लां चलदियां हुंदियां। लड़ाई दोहां पासिआं तों कायम आ। वो कहिंदे सीगे वी असीं दोनों गड्डियां चलाउणियां। असीं कहिंदे पहिलां गुड्स पसे चला दो, क्योंकि व्यापारियों का मार रुकया आ, पंजाब के आ दुकानदारा का आया। पॉजिटिव ने तुसी पॉजिटिव होकर निकले अंदरों? असीं इस गल तो पॉजिटिव हाँ भी गलबात का एक दौर चल पिया, शुरुआत हो गई। उन्होंने सानू ऑफर किया भी असीं कमेटी बनावांगे, तुसीं 18 नूं फैसला कर लो, असीं कमेटी फॉर्म करके कमेटी जिहड़ी आ वर्कआउट करके एमनेस्टी लैवल दे फैसला करांगे। हाँ जी, तुहानूं वी पता है कि कमेटियां बनदियां ने, किन्ना समां लग जांदा, फिर उहदे मुद्दे किद्दां फिर घूमदे ने, इह चीज़ दा तुहानूं वी पता। तुसीं ज़्यादा तुहाडा संघर्ष है किते उह कमेटियां दे विच इह मुद्दे उलझ के ना रहि जाण। सुणो, कमेटी असीं उहनां दी कंडीशन आ वी इह जिहड़ी आ टाइम बाउंड होगी। नहीं टाइम बनूगी, साढ़े हथ हथियार तो है लड़ाई का, सानू कोई रोक थोड़ी सकता। असीं दिल्ली भी आ रहे हैं, दिल्ली धरना पक्के भी ला रहे हैं, टोल प्लाजे भी बंद किए हैं, मॉल भी बंद किए हैं, गड्डियां भी बंद कीतियां। असीं कोई सदका थोड़ी कीता। मतलब ये चीज़ां उस तरह इन बिन जारी रहणगियां, चाहे टोल प्लाजे हो गए, चाहे रेल गड्डियां हो गई, चाहे पूरी चलूगी, एजिटेशन पूरी चलती रहेगी। जिन्ना जदना चाहे सानू कॉल करके ये कोई स्ट्रक्चर तैयार नहीं करते, सानू विश्वास नहीं दवाते, क्योंकि अज्ज असीं उन्हां नाल गलबात आंसरलैस किया उन्होंने कि जे तुसीं कारपोरेट घराणे लई कानून बना रहे हो तो साडे लई भी कानून बनाओ। वो कहिंदे साडा जिहड़ा बारबल ते यकीन करो। उन्होंने तुहानूं फायदे दसे इस कानून दे? नहीं, फायदे नहीं दसे, फायदे दसे अज नहीं दसे, अज सातों सुने आ। साडी गल दा उन्हां जवाब नहीं आया। उन्हें उदां कहा भी असीं तुहाडे लई पॉजिटिव आ, कहिंदे पॉजिटिव नहीं है। जे तुसीं पॉजिटिव आ, बारबल तुसीं मानदे हो एम एस पी रहेगी, बारबल तुसीं मानदे हो ये खरीद भी जारी रहेगी। जे तुसीं बारबल मानदे हो तो फिर इन राइटिंग दिओ तो कानून बनाओ। बिल्कुल बिल्कुल, मनजीत सिंह राय हैगे ने सवेर तो ही मीटिंग दे विच अगवाई कर रहे हैं। राय साहब, कोई सट्टा निकलिया? दो टुक गल दस्सो, हाँ जां ना? नहीं जी, अज मीटिंग ते चली बड़ी लंबी। सरकार नूं असीं अपनी गल सारी सुनाई, सरकार ने भी अपनी गल सानूं सुनाई ते असीं भी उन्हां नूं सुनाई। पर जिहड़ी आ मंत्री उन्हां ने इह गल दा कोई ठोस जिहा जवाब नहीं दिता। उन्हां ने कहा भी इस गल नूं तुसीं भी अपनी 18 वाली मीटिंग करो ते आपां भी अगली कोई मीटिंग रखांगे। मतलब कह दिओ भी इहदे विच कोई नतीजा नहीं निकल सकिया ते कोई इहदे विच अज जिहड़ा रिजल्ट नहीं आया। मतलब इह जिहड़ी 6-7 घंटे मीटिंग चली आ इहदे विच कोई भी उन्हां पक्ष तों उन्हां दे वल्लों कोई पॉजिटिव रिस्पोंस नहीं आया? नहीं, कोई पॉजिटिव नहीं। ये तो सिर्फ इन्नी की गल है भी अगली मीटिंग करांगे उत्ते विचारांगे, पर जिहड़ी को हाँ वाली गल किसी पक्षों नहीं आई। तो पहली मीटिंगां नालों इह मीटिंग नूं किवें वखरा देख सकदे, क्योंकि सारा पंजाब की निगाह अज दिल्ली विज्ञान भवन दे वल सीगी, तां अज कोई ना कोई तां गल कोई इहो जी दसो कि जिहड़ी केंद्र ने मन्नी होवे तुहाडी। नहीं, कोई गल मनी नहीं, असी दसांगे किवें जी। असी तां जिहड़ी गल हैगी आ टोटल गल रखी आ उन्हां दे मूहरे, पर मैं कुछ हद तक असी उन्हां नूं कन्विंस कराउण च कामयाब रहे हां। सरकार कोल जवाब नहीं सी जदों असी उन्हां नूं कहा वी तुसीं कारपोरेट घराणियां वास्ते कानून बनाया ते जिहड़ी किसानां वास्ते जिहड़ा कानून आ उह तुसीं क्यों नहीं बना सकदे। ते फिर तुसीं इहदा मतलब कारपोरेट पूंजीपतियां दे पक्षी हो तुसीं ते जिहड़े किसानां दे पक्षी क्यों नहीं हो सकदे। तो असीं उन्हां नूं कहा वी जिहड़ी एम एस पी और खरीद की छोटी इह सानूं रिटर्न च दे दिओ, पर उस ते गल सरकार जी उत्ते नहीं आई। इस मीटिंग दे विच कोई उन्होंने एम एस पी नूं लैके जां फिर इस बिल दे विच सोध करन बारे कोई 1% भी कोई उन्होंने पॉजिटिव रिस्पोंस दिता? एम एस पी तो कही जा रहे जी, बरबली कह रहे हैं कि एम एस पी जी रहेगी, एम एस पी रहेगी। असी उन्होंने कहा भी बरबली गल असी नहीं मानते, क्योंकि जो तुम जरा कानून बदले उन्होंने कोई बरबली गल कही होंगी। उन्होंने तो जो पूंजीपति आ उन्होंने तो खुल देती लिख के सारा कुछ, उन्होंने तुम टैक्स फ्री कर दिता, उन्होंने रियायत देती, उन्होंने बारी सरकार के खजाने कोई घाटा नहीं पैंता। तो जे किसान की कोई फसल खरीदनी घाटा पै रहा तो असी उन्होंने कहा तुम रिटर्न च करके दौ, पर उस गलते सरकार नहीं आई। अच्छा, उन्हों का रिस्पोंस किवें दा सीगा खेतीबाड़ी मंत्री ते रेल मंत्री दा, वह सख्त सीगी जां नरम सी? नहीं, गल तो उन्होंने सुनी बड़े ध्यान दे नाल, पहला हाफ लंच टाइम तक तो उन्हें साडी गल सुनी सारी टोटल, और उन्होंने कहा लंच टाइम तो बाद आपां गल करांगे, और जदों आए आ उन्हें अपनी गल रखनी चाही। पर जिहड़ा उन्होंने गल रखनी चाही वह सानू किसानां नूं हजम नहीं सी, क्योंकि वह ही गल्लां करनियां चाहुंदे सी, सरकार दीआं उपलब्धियां वह सानू विखाउणा चाहुंदे सी, उन्हें स्क्रीन लाई हुई सी। कुछ तो उपलब्धियां तुहाडे गल्लां दे विच वी पा दित्तियां, बैग दे विच कहिंदे उपलब्धियां उपलब्धियां ने इस सारी सरकार दीआं, थोड़े कढ के तां दिखाओ राय साहब, तुहाडे कोलों वेखणियां चाहुंदे असीं। नहीं, मैं तुहानूं विखा देना, असीं इस करके बैग फड़ लए आए कोई
ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਲੈ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਚ ਪਏ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਵਿਖਾਇਆ ਵੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆਹ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਆ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਸੀ ਆਹ ਸੀ ਪੈਡੀ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਰੇਟ ਆਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਧਾਇਆ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਚੱਲਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਇਹਨੂੰ 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 ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਦਿਓ ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਆ ਵਿਖਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਠੋਸ ਗਰੰਟੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਔਰ MSP ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦਾ ਤਰਮੀਮਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਠੋਸ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕੁਛ ਨਾ ਵਿਖਾਓ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨਾ ਦੱਸੋ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਪਲਬਧੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਆ ਦੇਖੋ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੈਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਰੀਦ ਵਧੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਧ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੈਡੀ ਵਧੀ ਤਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੈਅ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੈਅ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਉਪਜ ਵਧੀ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਵਧੀ ਆ ਜੇ ਇਹਦੀ ਉਪਜ ਤਾਂ ਵਧੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਆ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਦੀ ਉਪਜ ਘਟੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੋਏਗਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਲੰਚ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੱਸ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੱਸ ਖੇਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਚੱਲੀਏ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖੋਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਏ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵੀ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਨੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 18 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਣੀ ਕਿਉਂਕਿ 18 ਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋ ਟੁੱਕ ਕਹਿਤੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਦੇਖੋ 18 ਨੂੰ ਸਾਡਾ 26-27 ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 18 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਤੈਅ ਸੀਗੀ 18 ਮੀਟਿੰਗ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ 18 ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਤੈਅ ਆ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਆ 27 ਤਰੀਕ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇਨ ਬਿਨ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਠੰਡਾ ਪੈ ਜੂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਇਨ ਬਿਨ ਉਦੇ ਰਹੂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਬੈਠੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਦੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਾਂ ਅੱਗੇ
पंजाब नूं इन्ना घाटा पै रहा जां रेल नूं इन्ना घाटा पै रहा है, कोई अंकड़े पेश कीते उन्होंने? नहीं, वो दसना चाहते सन, असी उन्होंने कह पे असी इन्हां दी कोई गल किसी की नहीं सुननी, असी तां सिर्फ जिहड़े रेल मंत्री आ सानूं इह दसण वी माल गड्डियां क्यों नहीं चला रहे। असी उन्होंने उन्होंने को ठोस जवाब है ही कोई नहीं सीगा वे रेल गड्डिया जिहड़ियां क्यों नहीं चला रहे, वो तो यही एक अपनी शर्त रख के बैठे आ, अड़ियल वतीरा जिहड़ा सरकार दा वो वरत के बैठे आ कि भाई जे तुसीं जिहड़ियां हैगियां पैसेंजर ट्रेना छड्डोगे तो ताइयो माल गड्डियां छड्डनियां, हजे उत्ते भी कोई फैसला नहीं हो सकिया। उन्होंने कहा असीं विचारांगे, तो असीं कहा असीं भी 18 च विचार लाँगे, वो सानूं कहिंदे सी भी तुसीं वह छड्डो पैसेंजर ट्रेना, असीं कहा असीं भी उहदे बारे 18 च विचार लाँगे, तुसीं भी विचार लो, अजे मतलब दवल्यों ही वो जिहड़ी गल कह दिओ भी उत्थे ही रुकी हुई आ, क्योंकि सरकार जिहड़ी आ वो असीं इह समझदे आ सेंटर सरकार केंद्र सरकार पंजाब प्रति कोई संजीदा नहीं है। मतलब ये कह सकते हैं बई जी कि वह पहले ही मन के आए थे कि जो मर्जी गल्लां हो जाण असीं अपनी गल ते अड़े रहना? नहीं जे अड़े हो तो किसान भी चुके ने गे, किसान जे पंजाब अज साढ़े पिछे खड़ा आ, NRI भरा साढ़े सारे खड़े आ, होर जथेबंदियां हर वर्ग नाल आ, असी जिहड़े मुद्दे आ कोई गलत नहीं मना रहे, सरकार अगे असी अज पक्ष जिहड़ा साढ़े किसान आगूआं ने बड़े जोर नाल पेश कीता आ, जे असी काले बिल रद्द करने दी कीती सी उन्हें पुछया भी क्यों करने आ, बड़े दलीलां नाल एक्टां दे थ्रू उन्हां नूं जवाब दिता गया आ, पूरे डाकूमेंट पेश किए गए आ भी ये जिहड़े बिल आ पूरी तरह किसान मारूगा, इन्हां नूं तुहानूं ਇਹ ਸੋਧ ਮੰਨੇ ਉਹ ਮੰਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਦੌੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਉਹਨੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਵੀ ਉਹਨੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਦੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੌਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ, ਆਪਾਂ ਲੰਬਾ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 5 ਘੰਟੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਕਿ ਜਾਂ 26-27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਢਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅੜੀ ਕਰਦਾ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਈ ਬੈਠੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਲਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਬੈਗ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਗ ਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੰਦਰ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਹੋਣੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ